फर्स्ट टाइम डॉग ओनर यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिल्कुल भी स्किप ना करें। जो नया नया डॉगी अपने घर में लेके आए एज अ पेट एज अ फैमिली मेंबर, जरूर से वीडियो को देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि इसमें दी गई जानकारी यकीन मानिए मित्रों यदि आप डॉग लेने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारीगर साबित हो सकती है। नमस्कार जी हाँ मित्रों, मैं आशीष जॉन प्रोप्राइटेड यूनिवर्सल डॉग क्लिनिक गोरखपुर से बात कर रहा हूँ। हम आपको रेल विहार राप्ती नगर स्थित राणा हॉस्पिटल के पीछे हमारी ऑफिस पाई जाती है यदि आप एक डॉग लेने का विचार करें, क्योंकि डॉग्स जो होता है मित्र ये एक सेंटीमेंट होते हैं व्यक्तित्व के, ये आपके फैमिली मेंबर की तरह आपके साथ रहते हैं। जरूर से जो सिलेक्शन आपको करना, कौन सी ब्रीड पालना चाहिए, हमें कौन सी ब्रीड लेना चाहिए, अपनी क्षमता के अनुसार अपनी देख रेख कितना समय आप डॉगी को दे सकते हैं, ये सब देखने के बाद ही कोई भी ब्रीड निश्चित करें। यदि कोई ब्रीडर आपके पास है या अगल बगल कोई अच्छे ब्रीडर हैं या अच्छे डॉग केनल हैं उन पर संपर्क करें, अपनी जरूरत को बनाएं और जरूरत के अनुसार मित्रों डॉग पालें। क्या आवश्यकता है आपकी डॉग पालने की, शौक के लिए पालना तो शौक के पर्पस से पाले, सिक्योरिटी के लिए पालना सिक्योरिटी के पर्पस से पाले, कितना समय आप दे सकते हैं निर्भर करता है कौन सी नस्ल आप पालेंगे इस पे। तो जी हाँ मित्रों, सबसे पहली प्रमुख बात कि आप अपने नीड के अनुसार डॉग पालें, शौक के लिए पालना शौक के लिए पालें, गार्डिंग के लिए पालना गार्डिंग के लिए पालें। हर चीज़ के लिए क्लासिफाइड ब्रीड, अलग अलग ब्रीड है, एक अलग तमाम तरह की नस्लें पाई जाती हैं, अलग अलग कामों के लिए इस्तेमाल होता है। बिल्कुल आप संपर्क कर सकिए, हमारे नीचे दिए नंबर पर कॉल करके संपर्क कर सकते, आप सुझाव ले सकते हैं कि कौन सा डॉग पालना आपके लिए उचित होगा, सबसे प्रमुख बात। दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है मित्रों, यदि आप एक पपी अपने घर पर लाए एज अ फैमिली मेंबर, प्रॉपर उसका वैक्सीनेशन शेड्यूल समझ ले। नीचे हम कई वीडियोस में हमने वैक्सीनेशन शेड्यूल के बारे में भी डिस्कस किया है, वैक्सीनेशन शेड्यूल जरूर ब्रीडर से समझ ले। और डीवर्मिंग जो कि हमने कई वीडियोस में जिक्र किया है, आज भी शॉर्ट में उस पर प्रकाशन डालते हैं, डीवर्मिंग पेट के कीड़े के मारने के प्रोसेस को कहते हैं मित्रों। यदि आपके पपी के डॉगी के पेट में कीड़ा है, आप लाख उसको कितना भी अच्छी क्वालिटी का प्रीमियम फूड खिलाइए, अच्छा भोजन दीजिए, कभी ग्रोथ नहीं होगी, शरीर में फूड के न्यूट्रिशंस नहीं लगेंगे। सबसे प्रमुख बात होती है कि प्रॉपर तरीके से डिवर्मिंग का शेड्यूल समझ ले, पेट कीड़े के मारने की दवा को कब कब देना है ये जरूर ब्रीडर से समझ ले। और तीसरी सबसे प्रमुख बात आती है मित्रों कि कितने रेंज का बच्चा हम लोग ले, क्योंकि आजकल के दौर में तमाम ऐसे लोग हैं जो जालसाजी करके गलत ब्रीड प्रोवाइड कराते हैं, गलत ब्रीड बेचते हैं कम दाम में, ज़्यादा पैसा कमाने के लिए कस्टमर के पास कम बजट है उसमें कोशिश करके उन्हें देते हैं ब्रीड जो कि बाद में चल के दुख दायक स्थिति देखने को मिलती है। क्योंकि कस्टमर जब आते हैं, ग्राहक जब आते हैं, एक सेंटिमेंट से लेकर डॉगी पालने के लिए आते हैं, यदि उनके साथ चीट हो जाता है तो बहुत उनको गिल्टी महसूस होता है, बहुत अफसोस होता है, उदास होता है, दिल सेंटिमेंट्स के साथ खिलवाल ना करें। ब्रीडर मित्रों यदि आप हमारा ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी ग्राहक आपसे मैं बताता हूँ, कभी भी आप ऐसा डॉग पाल रहे हैं या खरीदने जा रहे हैं तो बिल्कुल भी ये ना सोचें कि कम से कम मिनिमम से मिनिमम को डॉग पालें। यदि बजट आपके पास अच्छा है, अपने बजट के अकॉर्डिंग डॉग पालें, आपके बजट में कौन सा डॉग उचित आता है, क्योंकि ब्रीडर को बेचने वाले को इस बात से मतलब नहीं होता है मित्रों। आपके पास जितना बजट होगा प्रयास करेंगे कि उतने बजट में कुछ ना कुछ दे दें। जालसाजी करके लोग आजकल बहुत बेच रहे हैं, तमाम दुकानें लोग खोल ली हैं, फ्रॉड करके बेच रहे हैं मित्रों, तो कृपया ऐसे लोग से सावधान रहें और आपका जितना बजट है उसमें डिस्कस करें। यह ना कि आपका बजट जर्मन शेफर्ड लेने वाला है तो आप उसमें अमेरिकन बुल्ली या तमाम तरह की और महंगी नस्लों को लेने का प्रयास करें, अपने बजट के अनुसार देखें और प्रीमियम नस्ल के डॉग पर, यदि जर्मन शेफर्ड भी पाल रहे हैं तो लो क्वालिटी ना पालें, अच्छी क्वालिटी पालें कि आपके घर में, क्योंकि खर्चा मित्रों और उसका खान पान, उसका वैक्सीनेशन, उसके डिवर्मिंग शेड्यूल खर्चा लगभग उतना ही आता है। इससे अच्छा क्यों ना थोड़ा पैसा और लगा के हम अच्छे नस्ल अपने यहाँ पे लाएं। इससे रिलेटेड किसी भी समस्या के